जग्गा चाहिए जग्गा, सूरज डूबने से पहले जिंदा और सूरज डूबने के बाद मुर्दा। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, तुम बहुत मासूम हो। उसी मासूमियत की वजह से तुम उसे यहां उठा कर लिया है। उसने ठीक नहीं किया दादा, उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम दिल क्यों छोटा कर रहे हो बेटा? सांप का काम तो डसना ही है, सो उसने डस लिया। शुक्र करो कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान बहुत बड़ा हो गया दादा, आप नहीं समझेंगे। अरे मैं कैसे नहीं समझूंगी, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए क्या है। ये समेटो, रुक जाए, दोबारा ना जाए। अगर जग्गा नहीं मिला तो अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ क्यों आ गया? दफा हो जाओ, ढूंढो उसे। मुझे जग्गा चाहिए जग्गा, सूरज डूबने से पहले जिंदा और सूरज डूबने के बाद मुर्दा। जाओ, खाली हाथ मत आना। उस्ताद, कल का सूरज देखना उसको नसीब नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है उस्ताद। हाँ, कहाँ पर है तो वहीं उसी वाला लड़ा, मैं भी आता हूं। जगह का पता चल गया है। पहुंचाओ उसे फिर कब्रिस्तान, वही उसकी असल जगह है। अबे अब जाओ ना, निकलो यहां से। चलो रशीद, उस्ताद की किताब में धोखा देने वाले के लिए सिर्फ मौत है। मुझे नहीं मालूम कौन हूं मैं, कहां से आई हूं, कुछ नहीं याद मुझे। क्या नाम है मेरा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। जाने अब्बा किस हाल में होंगे, किस तकलीफ में होंगे अभी, वो क्या हो रहा होगा उनके साथ। कुछ भी नहीं हो रहा होगा बीना, अभी मुझे उम्मीद है पूरी कि अब्बा जहां भी होंगे खैरियत से घर आ जाए। सुबह से गए हुए, मुझे बता के गए थे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुना, मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कह के गए थे कि जल्दी घर आ जाऊंगा, तक तो वो आए नहीं है। मैं क्या मतलब लूं इन बातों का, उन्होंने अब्बा के साथ जबरदस्ती। बीना आपी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सही है मुना, तुम्हें पता है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। हम दोनों, लेकिन क्यों? अगर हम ना होते ना तो ये सब कुछ भी ना हो। एक एक करके सब हमसे दूर जा रहे, पहले आप ही, फिर अम्मी और अब अब्बा। अल्लाह ना करे आप ही, आप कैसी बातें कर रही हैं? कल तक तो आप मुझे हिम्मत दिला रही थी, आज खुद आप हौसला हार के बैठ गई हैं। बीना आप ही, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बहुत मेहरबान है। और फिर आप ही ने तो मुझे बोला था कि अल्लाह ताला इंसान की हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, फिर अब क्यों मायूसी वाली बातें कर रही है? ठीक कह रही हो तुम, चल बे उठ, तेरी भी जमानत हो गई है। हैं? अरे
मेरी जमानत हो गई है। किसने जमानत कराई फिर? सलीम साहब ने। चल अब निकल। सलीम साहब ने मैं समझा के जगह ने कराई है। हो गई ना? ठीक है सलाम। यार सलीम वैसे भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी यार, तू आया मुझे बचाने के लिए। अब देखते हैं अल्लाह मालिक है, हैं? यार जगह तेरे पीछे लगा हुआ है और जगह के पीछे कुछ कर लो। मुझे तो ये मामला कुछ गड़बड़ी लग रहा है वाले। तो यार फिर बताना मैं क्या करूं? मैं दो चार दिन के लिए कहीं गायब हो जा। कहाँ गायब हो जाऊँ यार, और मेरी बच्चियाँ उनको कहाँ ले जाऊँ मैं? यार ये तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा वाले। अच्छा सलीम एक बात बता यार, तेरी नजर में कोई ऐसा मकान है जहाँ छुपकर मैं अपनी बच्चियों के साथ रह लूं? यार मैं कहाँ से लाऊं मकान यार? तो यार मुझ पे रहम कर यार, खुदा के वास्ते कुछ सोच यार, कुछ कर यार। यार सलीम देखो मैं तेरा ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा चल सोचने दे, करता हूँ कुछ। वो यार खुदा के वास्ते सोच यार, जल्दी सोच भाई। अबे सोचने दो यार। अच्छा ये बता कुछ खाया पिया है तूने? चल पहले जाके कुछ खाते पीते। वो नहीं यार मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर अगर जगह ने देख लिया तो जान से मार देगा भैया। अबे तू फिक्र क्यों करता है यार, मैं हूँ ना तेरे साथ। अबे सलीम, अरे यार मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा तुझे, चला आ जा। यार सलीम तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो हमेशा यार, मुझे बस हर तकलीफ से तुमने मुझे निकाला है। भाई ऐसा है भले। अबे 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 सलीम सलीम अबे सलीम मुझे बचाओ यार, अबे मुझे बचाओ, अबे सलीम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अबे जगह जगह मुझे गोली मत मारना यार, मुझे गोली मत मारना जगह।
चल अबे गले लग गया। बच्चा है मेरा। जान लग गया। थाना के रशीद को मौका बिल्कुल पसंद। खेल खत्म।
किसी को बुला कर लाती हूँ। प्लीज मैं